आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की राजधानी में देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और इन खिलाड़ियों का कहना यह है कि सालों तक हमारा शोषण हुआ है, हमसे ब्रजभूषण सिंह अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। ये WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और लगातार आज तीसरा दिन है जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इस बीच खेल मंत्रालय ने इंटरफेयर किया, 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी, साथ ही साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुलाकात भी खिलाड़ियों से की है। खिलाड़ी कह रहे हैं अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, खिलाड़ी कह रहे हैं सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहिए, ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा भी दें, कुश्ती संघ को भंग भी किया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह अकेले नहीं है जिन्होंने शोषण किया है, कई कोच भी ऐसे हैं जिनके जरिए शोषण न सिर्फ महिला खिलाड़ियों का बल्कि पुरुष खिलाड़ियों का भी हुआ है। इन सब के बीच में इतने आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं इस्तीफा मैं नहीं दूंगा। जब इस्तीफा उनसे मांगा गया, उन्होंने कहा इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, आरोप अगर सच साबित हो जाए तो मैं तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। 12 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे ब्रजभूषण सिंह, लेकिन टाइम आगे बढ़ा दिया, 4 बजे का वक्त रखा गया और ये पोस्ट के जरिए जानकारी दी भी गई। लेकिन इस पोस्ट को ध्यान से आप देखिए, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं साजिश के पीछे कौन, सांसद जी खोलेंगे पोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया गया है 4 बजे के बाद और वो कह रहे हैं कि कुश्ती और कुश्ती संघ के खिलाफ साजिश करने और महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश। मीडिया के सभी साथी आमंत्रित हैं। इस पूरे पोस्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रजभूषण सिंह यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और यहाँ पर जो महिला पहलवान हैं उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह की तरफ से पहले भी कहा गया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, किसी उद्योगपति का हाथ है, अभी वो किसी राजनेता की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह से सवाल खिलाड़ी ये भी कर रहे हैं कि जब आप पर इतने गंभीर आरोप हैं नैतिकता के आधार पर आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते। इन सबके बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रजभूषण सिंह से फोन पर बात की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अमित शाह जो बार बार बीजेपी के लिए चाणक्य का काम करते हैं, वो स्ट्रैटेजी तय करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार इस संकट से भी गृह मंत्री अमित शाह ही शायद निकालेंगे बीजेपी नेता को जिस तरीके से आरोपों में घिरे हुए हैं। या फिर माना यह भी जा रहा है कि अगर इस्तीफा खुद से नहीं देते हैं तो कोई बड़ा एक्शन ले सकती है सरकार, खेल मंत्रालय बड़ा एक्शन ले सकता है और अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि आरोप गंभीर है और ये छोटे मोटे नाम नहीं है जिनके जरिए आरोप लगाया जा रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिसमें बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है, विनेश फोगाट है, बबीता फोगाट है, गीता फोगाट है, विजेंदर सिंह भी पहुंचे और साफ कह दिया है कि राजनेताओं के लिए मंच नहीं है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार हम पाकर रहेंगे, हमारा शोषण हुआ है, आगे नए खिलाड़ियों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आवाज बुलंद है।